बात सत्ता के गलियारों की, बात समाज की हलचल की, बात सियासत के संग्राम से, आवाम की आवाज की। हर बात पर गहन चर्चा के साथ होगा सबसे सटीक विश्लेषण। हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की, मुद्दे की बात। मुख्यमंत्री को जाति की चिंता, बिहार की चिंता नहीं, बोले चिराग। आशीर्वाद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर साधा निशाना बक्सर। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को जाति की चिंता है, बिहार की नहीं। यहां प्रदेश के अनेकों जिले बाढ़ से प्रभावित थे, वे दिल्ली जातीय जनगणना के लिए गए थे। हमेशा से उनकी राजनीति जाति और मजहब के आसपास घूमती रही है। कभी दलित को महादलित बना दिया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा, तो कभी मुस्लिम को पास मानदा। लोजपा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चलने वाली पार्टी है। यह बातें चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान शनिवार शाम कही। वे आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ आती है, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें विकास की चिंता नहीं। वे जितना समय मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताते, उससे कहीं ज़्यादा समय पार्टी की राजनीति में देते हैं। बक्सर पहुंचने पर उनका रोड शो शहर में निकला। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह व ज्योति प्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वे शहर के एक होटल पहुंचे, जहां उनकी पार्टी के सभी नेता उपस्थित रहे। वहीं प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। उनके साथ पूर्व MLC हुलास पांडे और बक्सर के लोजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह मौजूद रहे। बिहारी शब्द को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गाली बना दिया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह युवा बिहारी और बिहारी मैंने बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जाइए, बिहारी बोलकर आपके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। उस वक्त नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट का बिहारी है, मुस्लिम बिहारी है, दलित बिहारी है, पिछड़ा बिहारी है, कौन सा बिहारी है। इस शब्द की गरिमा को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी पार्टी किसी के प्रति नहीं है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मैं बस नैरेटिव को नहीं बदलने देना चाहता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि नैरेटिव बदले, मैं विभिन्न और पार्टियों के ऊपर भी, मैं क्यों करूँ भैया बताइए ना। जब पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है, और ये आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली वो अकेले और उनके मुट्ठी भर अधिकारी, बस यही लोग पूरी सरकार चलाते हैं, पूरा बिहार चलाते हैं। तो भैया इन लोगों के मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं उंगली उठाऊं, जब पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हम लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, जिसका समाधान हम लोगों ने नहीं दिया। रोजगार की बात है, मैं आपको समाधान देता हूं भैया। रोजगार के अवसर यहां पर उत्पन्न करने, सबसे पहले निवेशकों को बुलाइए। गुजरात में जैसे समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा राज्य है जो कि नहीं करता इस तरीके की समिट। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने निवेशकों को कब बुलाया किसी को नहीं पता। आप इनवाइट कीजिए, आप उन्हें सुविधाएं दीजिए, सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहां पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो आपको यहां पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए, इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहां पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं।
लैंड रिफॉर्म्स बदलने की जरूरत है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, तब जाकर आईटी सेक्टर एमएनसी हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके बारे में राज्य सरकार कोई बात करना जरूरी नहीं समझती। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ है, कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया, जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, हर साल बाढ़ आती है भैया, कौन सी नई बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी है, अगले साल फिर इस वक्त बाढ़ आएगी, मैं आज से घोषणा करके जाता हूं, जबकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं। पर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करें, बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, कैनाल्स बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसी जगह पर जो कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से सुखाड़ के इलाके में लेके जाइए, सिंचाई की व्यवस्था भी इससे बेहतर होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। इन्होंने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बनाया जो मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद को ऑपरेशन कर दे। वही शिक्षा की भी उतनी बदहाल स्थिति है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, क्यों? और कोटा के हालात जानिए, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था भैया हम लोग पटना में नहीं दे सकते, बिहार में नहीं दे सकते, आरा बक्सर में नहीं दे सकते? क्यों हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं है इस तरह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से बाहर जितने लोग गए हैं पलायन कर, उनको मैं वापस अपने प्रदेश में लेके आऊं। क्या किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि वापस आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है यहाँ पर। जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हो कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक्ड है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक्ड हैं, और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करने। अगर वहाँ जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब आप एक तरफ कहते हैं, विरोधाभास देखिए इन लोगों में, एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं उत्पन्न हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने, लाख छोड़ दीजिए, कुछ हज़ार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए, पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देकर वो रह गए थे। और उसके बाद आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से इस यात्रा में, जहाँ एक तरफ मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति लोगों का जुड़ाव दिखता है, वहीं दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से लोग नफरत करते हैं, वो आक्रोश मुझे दिखता है। बेरोजगारी आज की तारीख में इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग जाएं, वहाँ पर लाठियाँ खाएं, पिटें, कुछ करें, मुख्यमंत्री को उससे कुछ लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा, बिहार के किसी भी गाँव में चले जाइए, पूछिए किसी से भी कि भैया क्या बिना घूस दिए कोई काम होता है? बिना घूस दिए एक काम नहीं है बिहार में जो होता हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। आए दिन बिहार में हत्याएं होती हैं और इनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। नहीं के लिए आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह के दिन से, 5 जुलाई से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। और ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से करते हुए बिहार के अनेकों जिलों से, जिलों में हैं जिस जिस जिले से ये यात्रा होकर गुजरी है, वो इस बात की गवाही देंगे, या उनके कैमरे, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस इस बात की गवाही देंगे कि जो एक अपार जन समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। ईमानदारी से इससे पहले हम लोगों ने भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की थी, बिहार बचाओ यात्रा की थी, पर जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, अगर मैं कोई बड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लोग टोकिएगा मुझे,
एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है इस यात्रा के साथ। जहाँ जहाँ से भी ये यात्रा जा रही है, भारी संख्या में युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए। इससे पहले बहुत कम मैंने ऐसा देखा था कि महिलाएं इस तरीके से सड़क पर पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर और जिस ममता के साथ वो मुझे गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं, ये तमाम बातें मेरे मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाती हैं कि भैया जिस कामना में मैं आया था, जिस आशीर्वाद की चाह में मैं आया था, वो भरपूर मुझे मिल रहा है। और भले वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, और मैं भी बार बार मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की नहीं है, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर कार्यकर्ताओं को 500 रुपया देने के लिए आया था, फिर भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। नहीं लगता है कि हकमारी हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये अफवाहों में उड़ाया जा रहा है इस बात को। 500 रुपया किसी को नहीं दिया गया, तो तेल तो भराया गया टंकी में। ये बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछले कास्ट से जिनका पार्टी की स्थिति सही नहीं है। अच्छा। तो पार्टी के कुछ लोग जो ऐसे पंचायत अध्यक्ष हुए, प्रखंड अध्यक्ष हमारे, वो अपने यहाँ से 100-200 का तेल का दिया कि आप लोग तेल डलवा लीजिएगा, कम से कम बाइक का तेल तो घर से नहीं लगेगा। नहीं तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि टंकी फुल कराया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम फतेह नारायण सिंह है। क्या है आप पार्टी में? हम अभी पार्टी के IT सेल के प्रदेश सचिव हैं और ब्रह्मपुर विधानसभा के प्रभारी।